NTA UGC NET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक और रीजनिंग में आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आता है, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें बेसिक अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एम कितने नंबर पर आता है, के कितने पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ज़िंदगी में अल्फ़ाबेट की काउंटिंग नहीं भूलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि क्यू कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, यू कितने पे आता है। अगर हम एक सेकंड के अंदर पता कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी डी ई। देखिए ये ए बी सी डी में पहले पांच अक्षर ये बिल्कुल आसान होते हैं, ये कोई भी बंदा याद रख सकता है कि सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है और ई कितने पे आता है। इसी तरह से लास्ट के अंदर एक्स वाई जेड जो होता है इनको भी हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो पाँच अक्षर और लास्ट के तीन अक्षर ये हमें याद रखना बहुत आसान है, ये हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन से अक्षर है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं आगे एफ और पी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों F और P के अंदर अगर हम कुछ समानता देखें तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए F और P दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकृति मिलती है। F और P को देखिए हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ कुछ 6 के जैसा मिलेगा। और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं, एक तो 6 बनता है, एक 16 बनता है और एक 26 बनता है, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा जेड आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे, फिर बचा हमारे पास 6 और 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो है वो कितने पे आ जाएगा, 6 पे, और पी है वो आ जाएगा 16 पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे 6 नंबर से दो अक्षर हो रहे हैं, पी और एफ हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए आगे है हमारे पास जी और क्यू। अब इसमें भी देखिए दोस्तों हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इस तरह से लिखते हैं और क्यू इस तरह से। जी के अंदर ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 7 के जैसा ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसी तरह से क्यू के अंदर ये देखिए दोस्तों ये भी 7 के जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों वही बात आती है कि 7 से हमारे कितने अक्षर कितने नंबर बनते हैं, एक तो 7 बनता है, एक 17 बनता है, एक 27 बनता है। और हम सभी को पता है कि 27 का किसी भी तरह का कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो बाद में हमारे पास क्या बच गए, एक तो 7 बच गया और एक 17 बच गया। तो 7 किसके लिए हो जाएगा, जी के लिए, और क्यू किसके लिए हो जाएगा, 17 के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए दोस्तों बात आती है एच, एच को हम किस तरह से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों एच को हम इस तरह से लिखते हैं, हम सभी को पता है। और एच को देखिए ऊपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देंगे। देखिए ये जो एच है ऊपर से और नीचे से हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे, तो क्या बन जाएगा हमारा, 8 बन जाएगा। तो यानी कि फिर क्या हुआ,
एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों हमारे पास आई। दोस्तों आपने देखा होगा कि आई को हम बड़े बड़े में ऐसे लिखते हैं और छोटे में हम कुछ कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा लिखने में ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा अल्फ़ाबेट कुछ कुछ नो के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आई कितने पर आएगा दोस्तों, वो 9 पे आएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं, यानी कि देखते ही हमें पता चल रहा है। और आगे देखते हैं हम, आगे कौन सा अक्षर आता है, आगे आता है दोस्तों हमारे पास जे आता है। जे को देखिए हम किस तरह से याद रखेंगे, जे में देखिए दोस्तों ऊपर का जो है ये डंडा जो है इसे हम 1 मान लेंगे और नीचे जे में जो ये मुड़ा हुआ है इसे हम बिल्कुल 0 बना देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, 1 और 0 यानी कि 10, यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि जे कितने पे आता है फिर 10 पे आता है। यहाँ से हम इस तरह से इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है, आगे आता है दोस्तों के। दोस्तों हरियाणा में, हमारे हरियाणा में बच्चे कहते हैं कि मजाक में कहते हैं कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर के होवे है, के होवे है। तो यानी कि वो उसी में बता रहा है कि क्या के होता है, 11वां अक्षर के होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल आसानी से हम याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है, आगे आता है दोस्तों हमारे पास L। अब देखिए L को हम किस तरह से याद रखेंगे, और इसमें देखिए L को हम इस तरह से लिखते हैं, आप सभी को पता है। तो L में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से इसे बढ़ा देंगे। तो ये शेप किसकी बन जाएगी दोस्तों, करीब करीब 2 के आसपास बन, यानी कि 2 की बन जाएगी, 2 के जैसी बन जाएगी। और 2 से हमारे क्या क्या काउंटिंग बनती है, एक तो 2 बनती है, एक 12 बनती है, एक 22 बनती है, ठीक है। तो 22 पे तो ये काफ़ी लंबा हो गया, ये नहीं आएगा। और जो ये देखिए दोस्तों जो 2 है, 2 पे हमें पता है बी आता है, तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा, 12 बच जाएगा, यानी कि एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा अक्षर आता है हमारे पास, आगे हम लेके चलते हैं दोस्तों 2 अक्षर को लेके चलते हैं। एक तो हमारे पास एम है और एक हमारे पास डब्लू है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे कि एम और डब्लू से, देखिए एम और डब्लू को थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दो, और फिर देखो ये देखो एम और डब्लू को इस तरह से करने पर हमें किसकी आकृति प्राप्त हो रही है, 3 के जैसा ये हमें लग रहा है। और 3 से वही बात आती है दोस्तों कि 3 से क्या क्या बनता है, एक तो 3 बनता है, 13 बनता है, 23 बनता है। 3 पे हमें पता है कि सी आता है, और बाद में क्या रह गया, 13 रह गया और 23 रह गया, यानी कि M कितने पे आएगा, वो 13 पे आएगा, और W कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास N। N हमें पता है दोस्तों, हम N को 2 तरह से याद रख सकते हैं कि एक तो M है वो N के बाद आता है, जैसे कि MN, और M हमने अभी पता है कि वो 13 नंबर पर आता है, तो N कितने पर आएगा, 14 नंबर पर आएगा। और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि N है इस तरह, N को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से हमने काट लिया। इन 2 हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास ये देखिए, ये भी 7 के जैसा लग रहा है और ये भी 7 के जैसा लग रहा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से भी N को याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं हम, आगे कौन सा आता है, आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारे पास O। O को जैसे कि हमने अभी बताया कि M, N, O तीनों इकट्ठे आते हैं, तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए दोस्तों आगे हमारे पास आता है R और S। अब देखिए R को हम किस तरह से याद करेंगे, R को वही बात आई दोस्तों, R को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा 8 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। और 8 का हमने पीछे देखा था कि 8 पे कौन सा अक्षर आता है, अगर आपको याद हो तो 8 पे क्या आता है, H आता है। तो 8 से हमारे कौन कौन से वो अंक बनेंगे, एक तो 8 बन गया, एक 18 बन गया, एक 28 बन गया। तो 28 हमें पता है कि 28 कुछ होता ही नहीं है, और 8 पे हमारा एच आता है, और बच गया क्या दोस्तों हमारे पास, 18 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास आता है टी। अब देखिए टी को याद रखना बिल्कुल आसान है, जैसे कि हम कहते हैं 20-20 मैच होते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, टी यानी 20।
तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकती। अब आगे देखते दोस्तों, आगे आता है हमारे पास यू। यू को देखिए दोस्तों किस तरह से याद रखना है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा। इसे भी दोस्तों हम छोटी ए बी सी डी में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यू को कुछ कुछ हम छोटी ए बी सी डी में इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा दो के जैसा लग रहा है और ये जो है हमारा एक के जैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम किस तरह से याद कर सकते हैं इसे कि ये कितने पे आएगा, 21 नंबर पे ये आएगा। तो इस तरह से कुछ लॉजिक लगा के हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी। अब देखिए जैसे कि हमने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि वी टू आवर टू, यानी कि वी टू आवर टू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वी ये हो गया वी टू आवर टू, यानी कि दो बार दो दो आ गया। तो वी का मतलब क्या हुआ, ये 22 पे आता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल वी को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ए टू जेड सभी अल्फ़ाबेट हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। और अगर आप एक बार फिर से रिवीजन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए।